नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। कोरोना संकट को देखते हुए दोनों सदनों की कार्रवाई में कुछ बदलाव किए गए हैं। बदलावों के अनुसार मॉनसून सत्र में लोकसभा और राज्यसभा में इस बार प्रश्नकाल नहीं होगा, लेकिन शून्यकाल रहेगा। बता दें कि संसद का मॉनसून सत्र 14 सितंबर से शुरू होने जा रहा है। लोकसभा पहले दिन सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक बैठेगी, बाकी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक बैठेगी। प्राइवेट मेंबर बिजनेस नहीं होगा। इसी तहत राज्यसभा पहले दिन यानी कि 14 सितंबर को दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक बैठेगी, लेकिन बाकी दिन सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक ही बैठेगी। शनिवार और रविवार की छुट्टी नहीं होगी। 14 सितंबर से 1 अक्टूबर तक कुल 18 बैठकें होंगी। बता दें कि प्रश्नकाल रद्द होने को लेकर तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन ने हमला बोला है। उन्होंने सवाल पूछा कि जब संसद के बाकी कामकाज के घंटे पहले की तरह ही समान हैं, तो प्रश्नकाल को क्यों रद्द किया गया। ब्रायन ने आरोप लगाया कि महामारी का बहाना करके लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने आज ट्वीट कर लिखा, सांसद को प्रश्नकाल के लिए संसद के 15 दिन पहले प्रश्न जमा करना जरूरी होता है। सत्र 14 सितंबर से शुरू है, इसलिए प्रश्नकाल रद्द किया गया। विपक्षी दलों के सांसदों ने सरकार से सवाल पूछने का अधिकार खो दिया, शायद 1950 से पहली बार। संसद के कामकाज के बाकी घंटे पहले की तरह हैं, तो प्रश्नकाल रद्द क्यों किया गया। महामारी के बहाने लोकतंत्र की हत्या। बता दें कि संसद के मॉनसून सत्र से पहले राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने सांसदों के स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने के मुद्दे पर आईसीएमआर के महानिदेशक और केंद्रीय गृह स्वास्थ्य और अनुसंधान विभागों के सचिवों संग बैठक की थी। कोविड-19 दिशा निर्देशों के तहत दोनों सदन की अलग अलग बैठक करने का फैसला किया गया। अधिकारियों ने कहा था कि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर इस बार आयोजित होने वाले सत्र के लिए कई तैयारियां पहली बार की जा रही हैं, जैसे कि सभी सांसदों की जांच की जाएगी और सामाजिक दूरी के नियमों के अनुपालन में लोकसभा और राज्यसभा की बैठकें अलग अलग होंगी, ताकि सभी चैम्बरों और गैलरी का इस्तेमाल सदस्यों के बैठने के लिए किया जा सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।